बट जैसे से शो का पहला हफ्ता बीता तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया कि मुझे दिखा दिखा सोलह सीजन देखे हैं, बिग बॉस के नो और उस, उन सीजन में एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है इस बारी में मुझे कहीं ना कहीं शो के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं वो लव एंगल घुसाने की बहुत कोशिश करी गई चाहे वो ईशा समर्थ अभिषेक हो

ये लव एंगल मुझे स्टार्टिंग से डे वन से पता था और मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि क्या ये कपल शो का फॉर्मेट है और ये बिग बॉस मैंने जिस हिसाब से लोगों से सुना है कि भाई बिग बॉस एक बहुत अलग बिग बॉस एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म का शो है नो जब आप देखते हो बिग बॉस इट्स ऑन द लाइक टॉप ऑफ द हया की इस शो में कुछ अलग बात है तो मैंने चीज़ पे क्वेश्चन उठाया था उस क्वेश्चन के पीछे मुझे मोहल्ले में खड़ा करके बहुत जलील करा गया था और वो मेरी पहली गोली थी जो मैंने उस शो में गाई थी तो अगर एक रियलिटी में जो आपको फील होता है बोल देता हो मेरे अंदर मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मुझे ना जो फील होता है मैं आ, मैं वो चीज़ बोल देता हूँ स्पॉन्टेनियसली कि भाई ये चीज़ गलत है ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ और मैं वो चीज़ का स्टैंड लिया ये चीज़ तब से शुरू हो गई थी कि नो बिग बॉस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये लड़का एक्चुअली में जो रियलिटी है जो हो रहा है शो के अंदर लोग डरते थे घर के अंदर बोलने से कि भाई कपल चो का फॉर्मैट है मुझे दिखता था मैं बोलता था मुझे लगता था कि यू नो कहीं ना कहीं बायस्ड है अब एक क्वेश्चन आपका आने वाला है कि यार बिग बॉस ने तो पहली बोला था ये बायस शो है बट पता है एक थिन लाइन होती है बायस होने में और अनफेयर होने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि जब भी आ, मेरा और मेरा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था कन्फेशन रूम में बिग बॉस के साथ बरोसेना वाले टॉपिक को लेकर के जो शुरू इस हिस्स से हुआ था कि कहीं ना कहीं सलमान सर ने मेरी कम्युनिटी का बरोसेना का एक मजाक बना दिया था वो चीज़ बाहर भी आई थी तो मैंने इतना रिक्वेस्ट करा था बिग बॉस को कि बिग बॉस प्लीज़ आप उसको इंक्लूड करो बट आप यू नो तो, you know, उसका मौकरी मत करो आप इस चीज़ का मजाक मत बनाओ क्योंकि वो मेरे लिए वो इमोशन है मेरे लिए ये शो इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे को अनुराग से बाबू भैया ब्रोसेना ने बना कर पहुँचाया था वहाँ तक मैं उस शो से बड़ा नहीं बना था मेरे को उससे पहले लोग बाबू भैया इसलिए जानते थे क्योंकि ब्रोसेना ने इतने टाइम तक मेरे लिए वो चीज़ करी और मुझे वहाँ तक पहुँचाया है ऑब्वियसली जिन लोगों के कारण मैं उस शो तक पहुँचा था मेरे लिए हमेशा वो लोग ऊपर थे ना कि वो शो ऊपर था इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट आई रिस्पेक्टेड द प्लेटफॉर्म बट अगर आप एक रियल चीज़ बोल रहे हो और आप डर रहे हो कि यार अगर मैं ये बोलूँगा तो मेरे साथ गलत हो जाएगा बट एक्चुअली मैं आपको पता है ना कि यही सच है सच बोलने में ना हमेशा लोग डरते हैं और जब आप सच का रास्ता पकड़ते हो ना तो इनिशियल टाइम पीरियड में आपको बहुत डर लगता है आपको बहुत सारी चीज़ों से झेलना पड़ता है